नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं दोस्तों खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे और दोस्तों स्वस्थ भी रहें। तो चलिए आज दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं एक कार्य को कैसे सफल करना है। कई दोस्तों काफ़ी कॉल्स ऐसे आते हैं कि उनके कार्य सफल नहीं होते हैं, काफ़ी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। शादी के लिए बातचीत चलती है लेकिन हो नहीं रही है, नौकरी के लिए बातचीत हो जाती है लेकिन कोई बुलाता नहीं है इंटरव्यू के लिए, और बुला भी लिया तो सर्विस पर कोई रखता नहीं है। काफ़ी सारे ऐसे प्रॉब्लम्स, पैसे ले लिए पर कोई दे नहीं रहा है, कार्य आपके होते होते रुक जाते हैं, काफ़ी ऐसी कंडीशंस डेवलप हो जाती है कि आपको ऐसा लगता है कि काम तो हो जाएगा लेकिन सडनली कोई ना कोई ऐसा विघ्न आता है कि काम नहीं होता है। तो जो दोस्तों विघ्न हर्ता देव है गणपति जी, कहीं ना कहीं हमने लाइफ में इस जन्म नहीं तो पिछले जन्म या कभी भी हमने ऐसे कोई फॉल्ट किए होते हैं जिसकी वजह से हमारे कार्य में विघ्न आते हैं, बाधाएं आती हैं, कार्य नहीं होता है। मैंने काफ़ी वीडियोस दोस्तों इस सब्जेक्ट पर डाल रखी है, गणपति जी की पूजा पर। आज एक और उपाय दोस्तों बताने जा रही हूँ, बहुत ही कारगर उपाय है, यदि आप इसे भी कर लेते हैं तो भी दोस्तों आपके कार्य में जो भी विघ्न आते हैं वो दूर हो जाएंगे, सारे काम आपके दोस्तों सिद्ध होने लग जाएंगे एक के बाद एक। सिर्फ आपको इस चीज़ को फॉलो कर लेना है। तो बहुत ध्यान से दोस्तों आप जो मैं बताती हूँ उपाय, उन्हें बहुत ध्यान से बड़े विश्वास से देखें दोस्तों। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यदि आप विश्वास नहीं करते हैं तो काम ऐसे भी नहीं होना है। तो आप वीडियो देख करके अपना समय जाया ना करें, आप वीडियो देखते हैं, आप इतना अपना समय मुझे देते हैं उसके लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप ये सब कुछ करते हैं तो कोशिश करें, क्योंकि मैं इतने सारे उपाय बताती हूँ, कोई तो ऐसा होगा जो आप कर पाते होंगे, जो आप कर लेंगे आसानी से, कोई तो करके देखो। यदि मैंने 4 उपाय बताए हैं, एक आधा तो करके देखो, और यदि सफलता नहीं भी मिले दोस्तों तो कभी निराश मत हो, फिर से करो, रिपीट करो, करके देखो, सफलता आपको अवश्य मिलेगी, हर कार्य में सफलता मिलेगी दोस्तों। ठीक है, जो नए व्यूवर्स आ रहे हैं मेरे चैनल पर, मेरी वीडियो पर पहली बार आ रहे हैं, विजिट ले रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक अवश्य करें दोस्तों, शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, यदि आपको विघ्न बाधाएँ बहुत परेशान कर रही हैं, कार्य आपके नहीं हो पा रहे हैं, काफ़ी कॉल्स आते हैं हमें, कार्य में सफलता ही नहीं मिलती है, कोई भी कार्य करें, बोलते हैं ना आप लोग, हम कोई भी कार्य करते हैं मैडम सफलता मिलती ही नहीं है। तो इसके ढेर सारे उपाय दोस्तों मैंने बता रखे हैं, एक और उपाय आज बताने जा रही हूँ। आप बुधवार के दिन से इससे करना शुरू कर दीजिए। जब आप सुबह पूजा पाठ करते हैं दोस्तों, तो एक मैंने और भी वीडियो डाल रखी है, गणपति जी के 12 नाम, यदि आप उसको वो करते हैं पहले तो बहुत अच्छा है, यदि नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है, आप लाल कपड़े पर घर में गणपति जी की स्थापना करें, या फिर आपके मंदिर में जहाँ भी गणपति जी की स्थापना है, मूर्ति हो, तस्वीर हो, जो भी हो, आप वहीं पर उनके नाम का एक घी का दिया लगा दें, 2 अगरबत्ती लगा दें। बुधवार के दिन से दोस्तों आपको ये करना शुरू करना है, और दोस्तों आप उन्हें थोड़ी सी जावंत्री चढ़ा दें बस, और आपको कुछ नहीं करना है। गणपति जी की पूजा में आप थोड़ी सी जो भी आप मतलब जैसे भी पूजा करते हैं, जैसे उन्हें गुड़हल का फूल चढ़ता है आप वो चढ़ा दें, नहीं चढ़ा पाते हैं कोई बात नहीं है, क्योंकि ये पूजा तो मेन जावंत्री की है, दिया बत्ती करके आप उन्हें थोड़ी सी जावंत्री चढ़ाएं सुबह सुबह पूजा करें तब, ठीक है। और दोस्तों जब आप रात को सोने जाते हैं बेड पर, तब आप उस जावंत्री को खा लें, मतलब थोड़ी ही चढ़ाएं जो आप खा सकते हैं, उसे खा करके आप सो जाएं। दोस्तों ये क्रिया आप 21 दिनों तक करें और आप देखें 21 दिनों के अंदर अंदर ही आपको कार्य में सफलता मिलने लग जाएगी। क्या करना है, घर में आप गणपति जी की दियाबत्ती करना शुरू कर दें, उनकी पूजा करना शुरू कर दें, और उन्हें नैवेद्य में थोड़ी सी जावंत्री चढ़ा दे बस, और सोते समय उसी जावंत्री को उठाकर आप खा लें। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, गणपति जी का दोस्तों आपके ऊपर आशीर्वाद बरस पड़ेगा, आपके काम सफल होने लग जाएंगे, जो भी विघ्न बाधाएं आ रही हैं आपके रास्ते में, आपको जो तकलीफें हो रही हैं
वो सब दोस्तों दूर हो जाएंगे। बस आपको कोई भी काम करना है यदि तो पूरे विश्वास के साथ करें। विश्वास यदि आप नहीं रखते हैं दोस्तों तभी आप कहीं ना कहीं धोखा खा जाते हैं। काफ़ी व्यूवर्स दोस्तों, काफ़ी लोग जब ये कहेंगे कि नहीं हमने इसको अभी किया था लेकिन हमें इसका रिजल्ट नहीं मिला, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि नहीं कहीं ना कहीं आप ऐसी गलती कर देते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। कभी विधि करने में कोई गलती, कभी आपको पूरा विश्वास नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी ऐसे कॉल्स आते हैं जो एक बार करते हैं उपाय और तुरंत वो कॉल करते हैं कि उनका काम हो गया। तो जिनका नहीं भी हुआ हो दोस्तों वे निराश ना हो। कभी दोस्तों समय भी आपकी परीक्षा लेता है। आप उपाय करते हैं लेकिन वो सफल नहीं होते हैं तो समझिए दोस्तों समय भी आपकी परीक्षा ले रहा है। ठीक है, आपको उस समय की परीक्षा में खरे उतरना है। आपको अपनी तरफ से आप जो भी कोशिश करते हैं उसे जारी रखें। हताश ना हो, निराश ना हो। बस ये मैं बार बार आपसे कहती हूँ, कोई भी काम आप करते हैं आप अंदर से दोस्तों निराश ना हो, कभी कभी हताश ना हो, और कभी ये ना सोचो कि ये आप नहीं कर सकते। दोस्तों एक राजमहल में रहने वाले भगवान श्री राम 14 वर्ष तक दोस्तों वनवास में रहे और हर क्षण भगवान को याद करते रहे, कभी धर्म के विरुद्ध कोई काम नहीं किया, सब कुछ त्याग त्याग त्याग। और हम उन्हें कहते हैं कि भगवान, तो भगवान ने उनकी लाइफ में क्या सुख भोगे थे कभी आपने सोचा? वैसे हमारा मैटर नहीं इस समय ये सब कुछ डिस्कस करने का, लेकिन मैं जो जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं उन्हें मैं कहना चाहती हूँ दोस्तों कि आप जिन्हें भगवान कहते हैं, जिन्हें पूज रहे हैं, जिन्हें मान रहे हैं, उन्हें उनकी ज़िंदगी में क्या सुख मिले थे, फिर भी वो जिंदगी के हर स्टेज में सफल हुए, हर चीज़ में दोस्तों उन्होंने अपने आप को खरा साबित किया। उनके अंदर एक आत्मबल था, उनके अंदर की शक्तियाँ जागृत थी। आप भी अपने आप को पहचानो दोस्तों, आप जो करोगे सब कुछ सफल होगा और होगा ही, विश्वास रखो इस चीज़ को। तब आप कोई भी पूजा पाठ करो, कोई भी तंत्र मंत्र करो, मैं आपको बोलती हूँ दोस्तों आपको सफल होना ही होना है। आपको सफल होना है तभी प्रकृति आपसे कुछ करवा रही है। विश्वास रखो इस प्रकृति पर, अपने आप पर। ठीक है, तो करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।